जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में देखने को मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, यदि एक्स माइनस वाई का 50% एक्स बराबर एक्स प्लस वाई का 30% है तो x का कितना प्रतिशत y है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसानी से हम सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है गुणा, इसका को हटाएंगे यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर भी हम गुणे का निशान बना देंगे। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है क्या, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत से हम प्रतिशत हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद जीरो से जीरो हटा देंगे। अब उसके बाद देखिए कितना बच गया, कितना बच गया, ये बच गया एक्स माइनस वाई गुणे पाँच बराबर, ये बच गया एक्स प्लस वाई गुणे तीन। अब इसका हम गुणा करा लेंगे, तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा पाँच एक्स माइनस पाँच वाई बराबर तीन एक्स प्लस तीन वाई। x को x की तरफ कर लेंगे, y को y की तरफ कर देंगे, तो आ जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 3y, माइनस से प्लस में आ जाएगा 5y। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर x रहेगा, कितना आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 8y। इसे हम काट देंगे, दो इकन्ना दो, दो चौको आठ, ये गुणे से भाग में चला आएगा, यानी x प्लस एक्स बटे वाई बराबर चार बटे में हम एक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया x का कितना प्रतिशत y है, तो जिसका पूछता है उसे हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, और कहाँ से पूछा, x का, इसलिए x की वैल्यू जो है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू नीचे रहेगी और y की वैल्यू ऊपर रहेगी। गुणे परसेंटेज बनाने के लिए सबको गुणा कर देंगे और इसे हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है यदि ए प्लस बी का 15% बराबर है ए माइनस बी का 25% तो कितना प्रतिशत बी ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, का को हम का से हटा देंगे, यहाँ पर किसका हो जाएगा निशान, गुणे का, परसेंटेज से हम परसेंटेज हटा देंगे और पाँच त्याई पंद्रह पाँच पचा पच्चीस। ठीक है, तीन का अंतर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा थ्री ए प्लस थ्री बी बराबर हो जाएगा पाँच ए माइनस पाँच बी। ठीक है, अब देखिए हम ए को एक की तरफ कर लेंगे और बी को बी की तरफ करेंगे, तो देखिए इसे हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री ए माइनस पाँच ए बराबर माइनस का पाँच बी और माइनस का थ्री बी, तो ये आ जाएगा माइनस का टू ए, ये हो जाएगा माइनस का आठ बी। ठीक है, माइनस से माइनस काट देंगे, दो इकन्ना दो, दो चौको आठ, तो यहाँ से आया ए बटे बी की वैल्यू चार बटे एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, बी ए के बराबर है, जो क्या है, कितना प्रतिशत बी ए के बराबर है, तो बी के बारे में पूछा गया है, तो बी रहेगा नीचे और ए का मान रहेगा ऊपर, और गुणा कर देंगे क्या, सौ कर देंगे, तो देखिए इसका हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 400% और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, जिससे आपका जब डाउट हो, जो कुछ बचा हो डाउट, वो आपका क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है ए का 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 1/6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को डाउट फील कराता है, चलिए इसको हम आज डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा, सौ आ जाएगा, इसका परसेंटेज हटाएंगे, बटे में सौ आ जाएगा, जीरो से जीरो और जीरो से जीरो हम काट देंगे। ठीक है, और इसे हम काटेंगे, दो इकन्नम दो, दो पंचे दस, कितना आ गया, ए गुणे एक बटे पाँच, का की जगह पर हम गुणा लगा देंगे, बराबर बी गुणे तीन बटे दस
बराबर सी गुणे एक बटे छः। अब देखिए हमें क्या निकालना, अनुपात। तो अनुपात हम निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि इसके बटे में लिख देंगे, मतलब नीचे लिख देंगे, एक क्या लिखेंगे, पाँच बटे एक, पाँच बटे एक अनुपात दस बटे तीन अनुपात छः बटे एक। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने पर जो आता है उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बस बटे को इसको हमें हटाना है, तो हमें टोटल कुल संख्या में क्या करना होगा, तीन से गुणा करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा तीन बचे पंद्रह, ये तीन से तीन कट जाएगा दस आ जाएगा। ठीक है, और ये छत्रिक अठारह आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए हम एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है यदि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20% है, तो यदि उनकी कुल आय का 7800 रुपये हो तो बी की आय होगी। ठीक है, इसका मतलब है बी की आय याद करना है। तो चलिए इसे हम कैसे लिखेंगे, हम मान लेते हैं जो ए की आय है, ए की जो आय है 10% वो बराबर है बी की आय का कितना 15% और बराबर है सी की आय का 20%। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ परसेंटेज से हम परसेंटेज हटा देंगे, ठीक है, जीरो से जीरो हटा देंगे, अरे जीरो यहाँ पर नहीं हटेगा। तो देखिए पाँच से हम काट देते हैं, पाँच दूनी दस, पाँच तेई पंद्रह और पाँच चौको बीस। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया ए गुणे दो बी गुणे तीन बराबर सी गुणे चार। ठीक है, अगर हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, क्योंकि यहाँ बटे में एक क्या है रहता है, तो हो जाएगा एक बटे दो अनुपाते एक बटे तीन अनुपाते एक बटे चार। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या करना, अनुपात में बनाना है, तो उसके लिए हमें इस संख्याओं में किस संख्या से गुणा करें कि तीनों संख्या आपस में कट जाएं, वो होगा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, यानी होगा 12। ठीक है, क्योंकि इनका जो एलसीएम होगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 से हमने तीनों में गुणा कर दिया, तो दो छंग 12, तीन चौक 12 और चार तेई 12, कितना आ गया, 6:4:3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ए बी और सी की जो आय का अनुपात, जो कुल इनकम निकल के आई, कुल आय निकल के आई, वो कितनी है, 6, 4, 10, 3, 13 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो उनकी कुल आय है वो कितनी है, वो 7800 रुपये है, इससे कितना गुना है, 13 × 78 इससे 600 गुना है, तो जो बी की जो आय निकल के आई है वो भी अपने आप की कितनी होगी, अपने आप की 600 गुनी हो जाएगी, यानी 6 × 4=2400। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज की हमारी दी हुई ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।